कैसे हो बच्चे लोग? सभी आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं ताकि आप लोग छोटे छोटे टाइम पे जाके देख सकें, लेकिन अब धीरे धीरे जो लेक्चर है इनका टाइम ड्यूरेशन सब कुछ बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे टॉपिक भी बड़े होने वाले हैं। और आप लोगों से न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, कुछ एक आप लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के। और ये टॉपिक को शुरू करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने मेरे पुराने 10 के 10 लेक्चर देखे हों, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सबसे ज्यादा काम की चीज है और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं उसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा और इतने में हमारा लेक्चर रहेगा कंप्लीट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये दो तीन चीजें इसी में कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ओके, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने से पहले आप लोगों को दो चीज पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज होती है सोर्स चार्ज, और दूसरी चीज होती है टेस्ट चार्ज। ये दो चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। दोनों में है तो चार्ज ना, ठीक है, लेकिन डिफरेंस है आगे का जो नेम है इसका। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दो इंसान है, एक है सेलिब्रिटी हमारा सभी का जो भी फेवरेट रहेगा वो लेके चलना, मेरा लिया मैंने अक्षय कुमार, और टेस्ट चार्ज में है कोई आम आदमी, ठीक है, आम आदमी इंसान, ठीक है, इंसान कोई इंसान होता आम आदमी, ठीक है, ये अक्षय कुमार ले लिया ना इधर, मैंने चलो एक काम करते हैं अक्षय कुमार ही लेते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं दूसरा, क्योंकि फिर इसको आम आदमी कहने में सही रहेगा, तो इसको ले लेते हैं। दूसरा कौन है, संजय दत्त ले लेते हैं, संजू सर हमारे साथ, तो इसको ले लेते हैं संजय दत्त। तो संजय दत्त ले लिया मैंने, ये मेरा टेस्ट चार्ज आम आदमी। तो सुनना कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में डिफरेंस क्या रहता है। देखो ना, सोर्स चार्ज के कंपेरिजन में टेस्ट चार्ज बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो उससे क्या रहता है कि जो टेस्ट चार्ज है सोर्स चार्ज की तरफ खींचा चला जाएगा। अगर अपोजिट चार्ज होंगे, सेम होंगे तो रिपल करेगा। माने कि संजय दत्त यहाँ पर खड़ा है, एक आम आदमी है तो उसका फैन यहाँ पर आ रहा है, तो क्या करेगा ये इससे मिलने के लिए इसकी तरफ को आएगा ना, कि संजय दत्त उससे मिलने जाएगा, ऐसे तो रहेगा ना। तो टेस्ट चार्ज का जो अमाउंट है सोर्स चार्ज के कंपेरिजन में छोटा होना चाहिए, ताकि सोर्स चार्ज अगर ये प्लस है ये माइनस है तो उसे खींचे या फिर उसे रिपल करे। ध्यान रखना टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट चार्ज बड़ा हो गया, ये संजय दत्त है और यहाँ पर वो आ गया, आप लोगों का टेस्ट चार्ज बाय चांस मैंने ये ले लिया, टेस्ट चार्ज मैंने ले लिया नरेंद्र मोदी को ले लिया, तो बताओ क्या नरेंद्र मोदी संजय दत्त के पास जाएगा, संजय दत्त नरेंद्र मोदी से मिलने जाएगा? ऑब्वियस है संजय दत्त नरेंद्र मोदी से मिलने जाएगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलने जाएगा, है ना। तो उस केस में ये सोर्स चार्ज बन जाएगा, ये टेस्ट चार्ज बन जाएगा, क्लियर हो गया ना। एक छोटा सा ये ऐसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि सोर्स चार्ज क्या रहेगा टेस्ट चार्ज क्या रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत प्यारी सी चीज है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, एक इंसान है, इंसान मतलब कि ये चलो इस इंसान को बोल दिया मैंने, ये है अक्षय कुमार, ठीक है, अक्षय कुमार है, ये अक्षय कुमार का घर है और ये उसके घर की क्या है बाउंड्री है, ठीक, और यहाँ पर कोई इसका घर का आने वाला गेट है, चलो जहां पर वो वॉचमैन रहता होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगर कोई उसका फैन है, ठीक है, उत्तराखंड से उसका फैन गया अक्षय कुमार से मिलने, ये इसके घर की बाउंड्री है, तो पहुंच गया मुंबई, मुंबई पहुंच गया और उसका फैन उसके घर के बाउंड्री के बाहर है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा उसके फैन से, कहेगा कोई कुछ उसके घर की बाउंड्री के बाहर है, रोड में नाचे कुछ करे, कोई उससे कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। तो अब जैसे ही उसका जो फैन है वो फैन आया 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 उसकी बाउंड्री के पास पहुंच गया,
उसकी जैसी बाउंड्री के पास पहुंच गया तो अब क्या करेगा, बाउंड्री से अंदर अगर इसका ये फैन घुसने की कोशिश करेगा तो जो वॉचमैन है, वॉचमैन क्या करेगा, इस फैन को भगाएगा क्योंकि इसकी सिक्योरिटी का खतरा है ना। ऐसा ही तो करेगा कि अगर जैसे ही गेट के पास पहुंचा कोई दिक्कत नहीं, गेट से जैसे ही अंदर आने की कोशिश करेगा वॉचमैन इसको धक्का देगा, बोलेगा बाहर जा। सही बात है, इतने सारे फैन उसके घर चले जाएंगे तो उसको खुद को बेचारे को प्रॉब्लम रहेगी, ऐसा करेगा ना। ठीक है, और अगर बाई चांस ये उसका फैन आया अक्षय कुमार का, अब साथ में अक्षय कुमार का कोई दोस्त आ गया, बाई चांस अक्षय कुमार का कोई दोस्त आ गया, अक्षय कुमार का कोई दोस्त आ गया, ठीक है दोस्त लिख देते हैं, दोस्त आया और जैसे गेट के पास पहुंचा और गेट से अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसका जो जो तुम्हारा सिक्योरिटी वाला है वो क्या करेगा बोलो। अगर अक्षय कुमार का दोस्त आया तो सिक्योरिटी वाला बोलेगा आइए सर आइए, और क्या बोलते हैं अक्षय जी इधर ही है आइए, ऐसा ही तो करेगा ना। तो इसका मतलब ये सब सारा का सारा जो रिपल्सन धक्का देने का काम और बुलाने का काम कहाँ हो रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हो रहा है, इससे बाहर फैन हो चाहे दोस्त हो दोनों की वैल्यू एक बराबर है, ऐसा ही तो है ना, दोनों की वैल्यू एक बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो तो अक्षय कुमार हमारा एक सोर्स चार्ज है, क्या है अक्षय कुमार हमारा एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। अभी सोर्स चार्ज मैंने ले लिया पॉजिटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके अलावा ये जो इसका अक्षय कुमार का जो फैन है ना, ये फैन को मैं बोल देता हूं टेस्ट चार्ज, क्या बोल देता हूं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो मैंने बोला किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां किसी टेस्ट चार्ज को अगर आप देखे आओगे उससे बाहर नहीं, उससे बाहर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां किसी टेस्ट चार्ज को लेके आओगे तो अगर वो पहचान वाला नहीं है तो उसे क्या करेगा, तो भगाएगा, और पहचान वाला है तो उसे अंदर बुलाएगा, ऐसा ही तो करेगा ना। तो किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां किसी टेस्ट चार्ज पे या तो रिपल्सन का फोर्स लगता है या फिर अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, उसी रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया। किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो उस टेस्ट चार्ज में या तो रिपल्सन लगेगा अगर पहचान वाला नहीं है गेट के अंदर आना चाह रहा है, और पहचान वाला है तो अट्रैक्शन का फोर्स फील होगा, उसी रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे बाहर जाओगे तो कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में नहीं आएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन देखो, इट इज द रीजन अराउंड एनी सोर्स चार्ज, इट इज अ रीजन अराउंड एनी सोर्स चार्ज वेयर एनी टेस्ट चार्ज फील्स अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। तो इसको थोड़ा सा देखो सोर्स चार्ज को कैसे दिखाऊंगा, तो बच्चों ध्यान रखना कि जो सोर्स चार्ज है सोर्स चार्ज को मैं दिखाऊंगा क्यू से। चलो मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, ये हमारा रहेगा सोर्स चार्ज, ठीक है, और जो टेस्ट चार्ज है इसको मैं दिखाऊंगा क्यू नॉट से या क्यू जीरो से, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्यू नॉट दिखाया तो समझ जाना कि टेस्ट चार्ज है और क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो सोर्स चार्ज। तो इसके आसपास का वो रीजन जहां पर अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हो तो या तो उस पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा या फिर क्या लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक। क्लियर, ठीक। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट बाद। अच्छा हाँ, एक बात और आप लोगों को बताऊं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर लगाओ के भी बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, एक मिनट कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ना, नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे समझते हैं, देखो जरा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोगों ने समझना है, तो कोई एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, क्यू, अब इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आया चलो, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेके आया, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसको क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। तो इस प्लस ने इस प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को क्या किया, रिपल किया, ठीक है, रिपल किया। तो रिपल किस फोर्स से किया, एफ फोर्सेस ने इसको इधर को रिपल किया, किया ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं ई से,
छोटा हो रहा होगा मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग दिखाते हैं ई से, ये होता क्या है, किसी भी सोर्स चार्ज के, ध्यान से डेफिनेशन सुनना, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा, किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी हम लोग टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, तो उस सोर्स चार्ज की वजह से उस टेस्ट चार्ज में कुछ रिपल्सन का फोर्स काम करता है। तो उस टेस्ट चार्ज में जो भी रिपल्सन का फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स और उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी सोर्स चार्ज के, सोर्स चार्ज लिख दिया हाँ, और ये है अपना टेस्ट चार्ज। तो किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, तो उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो भी फोर्स लग रहा है, और उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर को रहती होगी, इसकी डायरेक्शन देखनी है। तो इलेक्ट्रिक प्लस क्यू चार्ज ने प्लस क्यू नॉट चार्ज को रिपल किया ना, तो जिधर को रिपल्सन का फोर्स या जिधर को फोर्स लग रहा है, उधर को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, तो इधर हम लोग लगा लेते हैं वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लगाया वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन किधर को होती है, जिधर को फोर्स की डायरेक्शन होती है। और चार्ज तो इसके लिए क्वांटिटी, तो इसको वेक्टर फॉर्म पर लिखना है, तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। लेकिन ध्यान रखना कि जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना रहे। तो इसको ना आप लोग E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट ना लिखिए, अगर ये लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा एग्जामिनर। मैंने बोला ना टेस्ट चार्ज छोटा होता है, तो इसको आप लोग ऐसा लिख दीजिए, E वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट लिखा। टेस्ट चार्ज छोटा होता है तो आगे लिख देता हूँ लिमिट, मतलब लिमिटेशन क्या है कि क्यू नॉट ये छोटा है ना, छोटा है तो टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो मतलब कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन जीरो के आसपास है, मतलब बहुत छोटी है। आया समझ में? अब बात करते हैं यूनिट की, तो इसको ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा, जिस लोगों को दिक्कत रहती है तो ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना टेस्ट चार्ज छोटा होता है। हाँ, यूनिट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यूनिट क्या रहती है, देखो फोर्स की यूनिट क्या रहती है बताओ, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या रहती है, कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो न्यूटन पर कूलम होती है। उसके अलावा डायमेंशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी होगी, अभी तो छोटी छोटी चीजें होंगी, मैं आप लोगों को फिर भी बता रहा हूँ। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, ए टी। ठीक है, तो इसको आप लोग ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एल टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन, और माइनस टू ऑलरेडी है तो टी माइनस टी ए माइनस वन, ए माने एम। ठीक है, चार्ज की डायमेंशन निकालने तो आती है ना, कैसे, आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन टी, तो चार्ज क्यू इक्वल टू करेंट इंटू टाइम, करेंट की डायमेंशन होती है ए, टाइम की डायमेंशन होती है टी। ठीक है, तो क्या हो गया, ए टी यहाँ से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं लेके चलता हूँ कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक, डिफाइन मैंने यहाँ लिख दिया, तो आप लोग डिफाइन फाइन जब नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट के लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, ये मिटा देता हूँ, तो खैर स्क्रीन शॉट ले लिया आप लोगों ने। हाँ, और डिफाइन देखो अभी समझ लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखो ना, कभी डिफाइन बनाते हैं, देखो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो नीचे वाली चीज को यूनिट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, यूनिट, यूनिट माने वन ले देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वन ले लोगे क्यू नॉट को आप लोग, तो E वेक्टर इक्वल टू, अगर आप लोग क्यू नॉट ले लेते हो वन, तो कितना आ जाएगा, F वेक्टर अपॉन वन। तो किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसने वैनिशिंगली स्मॉल बोला है आपको, वैनिशिंगली मतलब कि जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, क्योंकि मैंने लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो लगाया। ऑलराइट, तो ये लेके चलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर से दिखाते हैं, और उसको लिखते कैसे हैं, ई वेक्टर इक्वल टू लिखते हैं एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ठीक हो गया। फिर एक काम की बात बता रहा हूँ, काम की बात क्या है, देखो एक पेपर प्लस क्यू चार्ज है
इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आया, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया तो उसमें प्लस है तो रिपल्सन, माइनस होता तो अट्रैक्शन। तो बेसिकली तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या, समझो ना, लोग समझते ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के, ठीक है, बीच के कह सकते हो रीजन की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इन दोनों में फोर्स काम कर रहा है। क्योंकि अगर बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को नहीं लेके आया होता तो क्या उसमें रिपल्सन लगता? नहीं। तो दो चार्जेस के बीच के रीजन की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी टेस्ट चार्ज पे अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स फील होता है बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ते हैं अभी। तो जो काम की चीज मैं इधर लिख देता हूं कि हम लोगों को ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, और जो डायरेक्शन है लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ किसकी, ई वेक्टर इज अलोंग जिधर को फोर्स कर रहा है। ठीक है, खैर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइटिंग मेरी खराब है, मैं लिखवाता हूं, आप दूंगा एक बार से मैं क्लियर होता हूं, राइटिंग बहुत खराब है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पड़ रहा है, तो सपोज दैट मेरे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, तो इसका पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसी के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना, ये अभी ये जो रीजन है यहां से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूं प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेता हूं। ठीक है, और ये जो सोर्स चार्ज से ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट यहां तक की जो डिस्टेंस है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर में लेता हूं। ठीक है, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहां से यहां तक का जो वेक्टर है वो कितना है, आर वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर। ठीक है, तो मेरे को किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो सपोज दैट एक सोर्स चार्ज को लेके आया मैं, ठीक है, किसी भी सॉरी एक टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया, तो जैसे ही किसी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को यहां से उठा के ला रहा हूं, देखो प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इसको मैं इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आया, तो जैसे इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया आर डिस्टेंस दूर, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज में क्या करेगा, एक सेम चार्ज है तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, कहां की तरफ को, बाहर की तरफ लगाएगा, ठीक है, तो ये फोर्स लगाएगा। और ये फोर्स का जो वैल्यू है वो कैसे निकलता है बताओ जरा, ये कूलम से निकलता है। कूलम बोलता है कि दो चार्ज अगर एक दूसरे से आर डिस्टेंस में सेपरेटेड हैं, तो इस टेस्ट चार्ज पे इसकी वजह से सोर्स चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन सपोज दैट इन दोनों के बीच में वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम के लिए काम करते हैं यहां ज्यादातर, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, क्यू वन की जगह क्या आ जाएगा क्यू, क्यू टू की जगह कितना आ जाएगा क्यू नॉट, सब हम पहले पढ़ चुके हैं। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर है, तो आर स्क्वायर रहेगा ना। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स तो पता कर दिया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी अभी बताया था मैंने, सिंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना, ये देख लो, तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये रखेंगे तो कितना जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लो वेक्टर फॉर्म में, अभी लिखना बहुत आसान रहता है, तो ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो एफ की जगह कितना है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, है ना, देखते रहे ना, तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, तो ई पता करना है मैंने, तो ई लिखा इक्वल टू एफ की जगह ये वैल्यू रख दी अपॉन क्यू नॉट होता है, तो अपॉन क्या लगा दिया मैंने, क्यू नॉट लगा दिया, दिख रहा है ना इधर,
इधर दिख रहा है ना क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बताओ, ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला, किसी भी सोर्स चार्ज से दूर आर डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे, चलो ये पी पॉइंट है, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है किसी भी सोर्स चार्ज से क्यू से आर डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, वो सोर्स चार्ज ले रहा है ना कि टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो क्या हो गया है कैंसिल, तो क्यू अपॉन जितनी दूर पता करना है वहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है भैया, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना भी सिखाया था मैंने कूलम्ब फोर्स को आप लोगों को, कैसे लिखते थे बताओ कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म पे, एफ वेक्टर इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, पुराने लेक्चर देखे होंगे इसीलिए बोला था क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, साथ में एक यूनिट वेक्टर आ जाता था, चाहो तो उसको और एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आता था, तो अब मैंने अभी बताया कि ई वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एफ वेक्टर अपॉन कितना होता है क्यू नॉट, तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है भैया मैंने निकाली है यहां रख दूं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर साथ में आर कैप और अपॉन क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया तो कितना आ गया ई वेक्टर इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर साथ में आर कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम लोगों को ये भी तो पता है सिंस जो यूनिट वेक्टर होता है कैसे निकलता है किसी वेक्टर का, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, सब पहले बता दिया है हां, तो रखो r के पीछे का r वेक्टर अपॉन r हो जाएगा तो यहां से कितना आ जाएगा e वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर r के पीछे के r वेक्टर अपॉन r r स्क्वायर इनटू r r क्यूब, तो e वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r क्यूब साथ में r वेक्टर, वेक्टर फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बताया, अब एक चीज और बची है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो इसको मिटाते हैं उसके बाद उसमें आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, छोटा एक मिनट देख लो यहाँ पर आया हो तो बच्चों सबसे काम की चीज अभी है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था किसी भी पॉइंट चार्ज से आर सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस दूर, ये होता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर, ये अभी पढ़ाना हमने। इफ देखो ना, ये जो सोर्स चार्ज है तो हम लेते हैं ना, तो इसका मतलब जो q है वो तो क्या है फिक्स है, फिक्स मतलब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, तो q पता है और हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 माने की कांस्टेंट, और क्यों मैंने कांस्टेंट ले लिया है ठीक है कि एक पर्टिकुलर सोर्स चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बताओ, सिर्फ डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन आर स्क्वायर पे, कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला कि अगर आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और आर डिक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है आर, और एक पर्टिकुलर आर की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो अब एक बात बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, यहां से देखना जरा कि काम की बात है, अगर मैं एक स्फीयर ले लूं ठीक है, स्फीयर के सेंटर पे ये जो मेरा सोर्स चार्ज है प्लस टू ये ले लेता हूं, तो पता है ना आप लोगों को स्फीयर में जो रेडियस होती है वो सेम रहती है, ये आर है तो ये भी आर रहेगा, ये भी क्या रहेगा आर है ना, और मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता है, आर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, आर कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। अब बताओ स्फीयर में अगर एक लड़का है ए से बी पे चले गया फिर बी से सी पे चले गया, तो बताओ कि आर की वैल्यू में चेंज आ रहा है नहीं, और आर की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता है ना, आर ही नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा नहीं, इसका मतलब अगर ए पॉइंट पे है इलेक्ट्रिक फील्ड 50 न्यूटन पर कूलम है तो बी पॉइंट पे भी क्या रहेगा 50 न्यूटन पर कूलम, सी पे भी क्या रहेगा 50 न्यूटन पर कूलम, तो इसका मतलब किसी स्फेरिकल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है एक बराबर रहता है, क्या रहता है एक बराबर, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं सिमेट्रिक,
और कौन सी सरफेस है? स्फेरिकल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं पता है? ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो कभी पूछेगा कि क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, दिस इज द रीजन। एक नाम बताओ, इसको एक नाम और बोलूं। मैंने बोला था कि रेडियस के लिए इसकी वैल्यू सेम है, आर रेडियस है तो हर जगह आर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ रहा है, तो इसलिए इसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है। और मैंने बोला ना अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज क्यू है, पहला सिग्निफिकेंस आ गया ना सब जो आप लोगों को। दूसरा कि आप, मैंने बोला पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज क्यू है, चार्ज मतलब सोर्स चार्ज की वैल्यू फिक्स है, तो फिक्स सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग ना सिर्फ आर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसको हमेशा ई आर वेक्टर से दिखाते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आर की वैल्यू घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो हमने पढ़ा था ई इक्वल टू कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एक्चुअल में ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट तो होता है, लेकिन अगर आप लोग इसको ऐसा लिखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, वाह भाई वाह कहेगा टीचर भी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई आर से दिखाते हैं। लास्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी तो है, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं तो उसको एक वेक्टर पॉइंट से ना दिखाते हुए एक पूरे ग्रुप से दिखाते हैं। जैसे प्लस चार्ज है तो प्लस से, मैंने बोला एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लाऊंगा तो रिपल्शन कहां को हो रहा है, इधर को रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन का फोर्स इधर को काम करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को काम करेगा ना। तो किसी भी सोर्स चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को काम कर रहा है तो उसे सिंगल लाइन से ना दिखाते हुए एक पूरे रीजन के लिए दिखाना पड़ता है, तो इस तरीके से दिखा सकते हो। ऐसे ही ऊपर अगर प्लस क्यू नॉट है तो ऊपर को एक ग्रुप ऑफ लाइन से दिखा सकते हो। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया होगा। अगर कहीं ब्राइटनेस में प्रॉब्लम रहेगी तो आप यू कैन कमेंट मी, एंड नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है।